हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। डायरेक्ट नाट के फर्स्ट पार्ट में मैं टेंस का डिस्कस कर चुका था और मैंने आपसे इससे पहले पार्ट में कहा था कि मैं अब अगला जो पार्ट बना हुआ है डायरेक्ट नाट का, उसमें टाइम प्लेस डिस्टेंस एवं प्रोनाउन का डिस्कस करूंगा। और प्रोनाउन और टाइम प्लेस डिस्टेंस के डिस्कस करने से पहले मैं कफ के बारे में डिस्कस करूंगा। कफ क्या है? इससे पहले वाले वीडियो में मैंने समझाया है कफ है क्या। कहने का मतलब, जब रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट टेंस में दी होती है और रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में कोई, देखिए कब को समझा रहा हूं, कोई सी फॉर कस्टम, कोई कस्टम से संबंधित स्टेटमेंट दिया हो या फिर सी फॉर कोई रिवाज का एग्जांपल हो, ई फॉर यूनिवर्सल ट्रुथ स्टेटमेंट दिया हो और पी फॉर प्रोवर्ब, कोई प्रोवर्बल स्टेटमेंट दिया हो, और दूसरा एच फॉर कोई हिस्टोरिकल स्टेटमेंट्स दिया हो, और दूसरा एज फॉर कोई हैबिचुअल स्टेटमेंट दिया हो। तो ये मैंने एक सूत्र में फिरो दिया है, कफ का सूत्र दे दिया है, एक फॉर्मूला बना दिया है ताकि आपको याद हो जाएगा आसानी से। तो कफ में हम, कफ में से कोई भी अगर स्टेटमेंट दिया होता है रिपोर्टेड स्पीच में तो टेंस उसका हम बदलते नहीं है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हिंदूज बात इन अ द गंगा, अब देखिएगा ये एक ट्रेडिशन में आता है कि हिंदू जो है गंगा में स्नान करते हैं, ये कस्टम है। तो हम अगर बनाएंगे तो ही सैड, तो ये हमारी रिवाज है, तो हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, हिंदूस, टेंस नहीं बदलेंगे, बाथ इन द गंगा। ठीक है, ये हमारा इसका एग्जांपल हो गया। और अगर हम ऐसे बोले, एक एग्जांपल और ले लें कि रवि सैड, एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम क्योंकि प्लेस कम है इसलिए कम एग्जांपल दे पाएंगे, लेकिन हम देख एक एग्जांपल और ऊपर देते हैं। रवि सैड कॉमा कॉमा सिख बियर द टर्बन्स, सिख लोग पगड़ी पहनते हैं, ये ट्रेडिशन है उनकी। तो जब हम इसको बनाएंगे तो इसे भी ऐसे बना देंगे, रवि सेड दैट सिख
वी आर द टर्बाइन्स। दूसरी बात लेते हैं तो ये हमारे एग्जांपल हो गए, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया और ये आपका ये दोनों एक के ये एग्जांपल हो गए, ठीक है। दूसरा इसमें हम फर्स्ट में ए और बी ये दे देते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं अब, जैसे हम लेते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ का, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा गॉड इज ग्रेट, ईश्वर महान है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो हम जब इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, ही सेट केवल क्या लगा देंगे, दैट गॉड इज ग्रेट, ओनली दैट हैज बीन यूज बाय रिप्लेसिंग कॉमा एंड कॉमा। दैट को हटा दिया, मतलब कॉमन कॉमन हटा दिया, हमने दैट यूज कर दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, अब प्रोवर्ब का ले लीजिए। तीसरा एग्जांपल पी के लिए, तीसरा एग्जांपल पी के लिए लेते हैं, प्रोवर्ब। प्रोवर्ब में देखें, अगर हम लिखें ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में कहा गया है, स्टेटमेंट है, सब कुछ चमकता हुआ सोना नहीं होता, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं हो सकती। अब आप देखिएगा, इसको देखें आप, तो जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, ही सेड है ना, कॉमन कॉमन रिमूव कर दिया एंड दैट कंजंक्शन हैज बीन यूज्ड, और ऑल में स्मॉल बना दिया हमने गॉड में, क्योंकि यूनिवर्सल है, मतलब गॉड महान है, गॉड को सदैव वो यह निरंजन भगवान के लिए, परमपिता परमेश्वर के लिए गॉड स्मॉल नहीं बनाएंगे, अगर देवता के लिए होता तो जी स्मॉल बना देते, लेकिन ऑल में ये क्या है, प्रोनाउन है हमारा, तो ये क्या करेंगे, हम स्मॉल कर देंगे, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है। अगला देखते हैं हम, डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स पर चले जाते हैं हम। देखिए आप इससे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, उसी हिसाब से एग्जांपल ले लेना। ये 4 नंबर पे पहला एच है, तो यहां पर हम चौथा एग्जांपल हिस्टोरिकल प्लेस का ले रहे हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स जो आती है उसका एग्जांपल लीजिए, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। अब आप देखिएगा, फिर वही हम रूल अप्लाई करेंगे जब इसको बनाएंगे, तो ही सेड दैट इंडिया, बिल्कुल सेम रखना है, कोई परिवर्तन नहीं करना, ये बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15th अगस्त 1947।
तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है। पांचवा एग्जांपल लीजिए, फिफ्थ एग्जांपल देखें, हमारा ऐसा ही है। फिफ्थ एग्जांपल भी देखिएगा, रवि सैड कॉमन कॉमा डॉग्स बार्क एंड बर्ड्स फ्लाई, बिल्कुल सेम है। इतना भी ले लीजिए डॉग्स बार्क, तब भी हमारा जो हैबिट दिखा रहा है, और बर्ड्स फ्लाई, और ये भी हमारा हैबिट दिखा रहा है। तो दो सेंटेंस का एक सेंटेंस हमने कर दिया। तो देखिएगा बनाएंगे तब, नियम वही है, रवि सैड दैट, स्मॉल बनाना पड़ेगा, हैबिचुअल सेंटेंस में हम द आर्टिकल नहीं लगाते हैं, डॉग्स बार्क एंड बर्ड्स फ्लाई। तो ये इस तरह से कफ को हमने समझा दिया। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब यूनिवर्सल ट्रुथ स्टेटमेंट कहने का मतलब ये सारी पॉइंट्स दिए होंगे, तो हम ये इधर हमारी आरबी पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी उधर हम कोई चेंज नहीं करते हैं। अगली बात लीजिए स्टूडेंट्स, हम आपसे बात करेंगे टाइम प्लेस डिस्टेंस के लिए। हमने आपसे कहा था कि इसके बाद हम टाइम प्लेस डिस्टेंस, अब आते हैं हम टाइम प्लेस और डिस्टेंस। चेंजिंग, जब रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में टाइम प्लेस और डिस्टेंस वाले वर्ड्स दिए होते हैं, तो उन्हें हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कैसे चेंज करते हैं, उस पर आपको फोकस करना है। मान लीजिए यहां ले लीजिए डायरेक्ट स्पीच, और इधर ले लेते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच। हम देखते हैं कि जब इनमें परिवर्तन करते हैं तो क्या करना है। अगर डायरेक्ट स्पीच में कहीं आपको दिस मिलेगा तो इनडायरेक्ट में क्या करेंगे आप, दैट कर देंगे। अगर कहीं दीज मिलेगा तो आप दोज कर देंगे। हियर मिलेगा तो देयर कर देंगे। ना मिलेगा तो देन कर देंगे। और कहीं अगर एगो मिलता है तो बिफोर करेंगे। अगर जस्ट मिलता है तो देन करेंगे। अगर टुडे कहीं मिले, टुडे होगा डायरेक्ट स्पीच में, तो उसे हम दैट डे कर देंगे। तो टुडे दैट डे, ये यहां से हम ऊपर ले लेते हैं, टुडे होता है तो हम दैट डे कर देंगे, और टुनाइट होता है तो हम दैट नाइट करेंगे, और लास्ट अगर कहीं मिले आपको लास्ट डायरेक्ट स्पीच में तो उसे प्रीवियस में बदलेंगे, और नेक्स्ट अगर कहीं मिलता है तो नेक्स्ट का द फॉलोइंग में करेंगे, और यस्टरडे अगर मिलता है कहीं आपको तो यस्टरडे का द प्रीवियस डे में, प्रीवियस डे बदलेंगे, और टुमारो अगर आता है टुमारो का द नेक्स्ट डे बदलेंगे। इस प्रकार से टाइम प्लेस डिस्टेंस चेंजिंग मैंने आपको दे दी।
और अब मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। देखिए ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही विल टीच देम टुमारो। तो इसका जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स, तो इसका जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो देखिएगा He said that he, अब क्या करेंगे हम बिल का would, क्योंकि पास्ट का इधर, और टीच और them का हम them रखेंगे और tomorrow का the next day, मतलब tomorrow को हम next day या the following day में भी कर देते हैं the next day, और हम चाहते थे यहां पर द फॉलोइंग डे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, द नेक्स्ट का द फॉलोइंग। देखिए नेक्स्ट का हमने फॉलोइंग किया है और नेक्स्ट हो दिया तो हम फॉलोइंग भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखिए। दे सेड टू मी कॉमा कॉमा द बॉयज एब्यूज्ड देम यस्टरडे। इतना ही देख लीजिए, जब इसको बनाएंगे तो दे सेट का क्या हो जाएगा, टोल्ड मी, दे टोल्ड मी कॉमन कॉमन हटा दिया, दैट द बॉयज। देखिए यहां पर ये हमने स्मॉल बनाया, यहां पर भी ये टी स्मॉल कर दिया, इनका विशेष, इसका विशेष ध्यान रखना है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म है हैड अब्यूज्ड और देन यस्टरडे का द प्रीवियस डे। आपको विशेष ध्यान रखना है, इस तरह से हम इनको चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लेते हैं, दो एग्जांपल आपके हो गए, एक चलो और एग्जांपल दे देते हैं, तीसरा एग्जांपल देख लीजिए। रवि सैड कॉमा कॉमा दे दे हैव नॉट टॉट हिम दीज लेसन्स। फिर देखिएगा क्या बनाएंगे हम, तो रवि सैड दैट दे मे टी स्मॉल हैज का हैड नॉट टॉट और हिमा और दीज का दोज और लेसन्स। उसके बाद अब हम चलते हैं ये टाइम प्लेस डिस्टेंस का जिक्र हमने कर दिया। तो इसके बाद देखिए अगर हम और एग्जांपल की बात करते हैं तो वीडियो कहीं ज्यादा बड़ी ना हो जाए,
तो जो है हम वीडियो को करके देखते हैं और आगे जो है चलते हैं, तो वीडियो बड़ी हो रही है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब इस थर्ड पार्ट में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू।